जम्मू के झज्जर कोटली में मारे गए आतंकियों की लाश को रस्सी से बांधकर खींचने वाली इस तस्वीर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इस फोटो को लेकर दो खेमों में बट गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जो मानव ही नहीं है उसके मानवाधिकार किस बात के। बता दें कि पिछले कुछ घंटों से जंजीरों से बांधकर आतंकी की लाश को खींचने वाली ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। सेना का कहना है कि जवानों ने जो कुछ भी किया है वो आत्मरक्षा में किया है और पूरी दुनिया में आत्मघाती आतंकियों को इसी तरह से निपटा जा रहा है। विरोध करने वालों को करारा जवाब देते हुए सेना के पूर्व मेजर रहे गौरव आर्य ने ट्वीट किया है कि मरने से पहले आतंकवादी अपने साथ लाए ग्रेनेड के पिन को हटा देता है और इसे शरीर के साथ लीवर को दबा के रखता है। जैसे ही लाश को जवान पलटते हैं ग्रेनेड का लीवर हट जाता है और ग्रेनेड फट जाता है, जिससे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचता है। इसलिए आतंकियों के शरीर को रस्सी से बांधकर खींचा जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। 2016 में हुए पठानकोट हमले के दौरान आतंकियों ने इसी हथगंडे को अपनाया था, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए थे। बता दें, सेना आतंकियों की लाश उठाने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल करती है। एक तो उसकी लाश को काफी देर तक छोड़ दिया जाता है, दूसरा 30-40 फीट की सुरक्षित दूरी से रस्सी के सहारे लाश को इसी तरह से खींचा जाता है। ऐसा करना सेना के नियमों में शामिल है, लेकिन मानवाधिकार के नाम पर कुछ लोग सेना को जानबूझकर बदनाम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।